हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे समर में फ्लावरिंग करने वाले बे प्लांट की, जो बहुत ही ईजली ग्रो हो जाते हैं, साथ ही साथ इनकी केयर करना भी बेहद ही आसान है। हालांकि गर्मी के मौसम में इनके लिए छाया ज़रूरी है, जहाँ तक हो सके इन्हें नेट के अंदर कवर करके ही रखें। हम नेट से कवर करने की इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि नेट में हल्की हल्की सी धूप आती है, जो इन प्लांट्स के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होती है। कुछ लोगों को हमेशा शिकायत होती है कि ना तो उनके गार्डन में प्लांट ग्रो कर रहे हैं और ना ही उनमें फ्लावरिंग हो रही है। बल्कि अगर हम सही तरह से उनका ध्यान रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो उनमें नए नए फ्लावर भी आते हैं और प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है। इसलिए जब भी आप अपने गार्डन में अपने प्लांट्स का ध्यान रखें, तो सबसे मुख्य बात ज़रूर ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम में कभी भी उन्हें ज़्यादा खाद ना दें। अगर आप ज़्यादा खाद देंगे तो आपके प्लांट ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो आइए जानते हैं कि गर्मी के मौसम में कौन कौन से फ्लावर प्लांट अच्छे होते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है सूरजमुखी, सेकेंड है नास्टर्टियम। इससे सबसे शुरू में हमने जो वीडियो बताई थी वो थी कैलेंडुला की, जो बेहद ही खूबसूरत और कई कलर्स में पाए जाते हैं। ये नास्टर्टियम है और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, यानी अगर आप गर्मी में भी इसे लगाना चाहें तो ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फ्लावर प्लांट हैं जिन्हें आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जैसे गिलाडिया है, ये भी बेहद ही खूबसूरत होता है, और येलो भृंगराज है, ये भी बहुत खूबसूरत होता है, पूरी साल भर फ्लावरिंग करता है। आइए जानते हैं कुछ और प्लांट्स के नाम। आसानी से लगने वाले समर के कुछ प्लांट, पोर्टुलका, पार्सलेन, चासोन यानी हिबिस्कस, फायर क्रैकर्स, मधुकामनी, मधुमालती, कनेर, डेंथस, सभी प्रकार की टिकुमा बेल और सुंदर प्यारा सा हमारा कृष्ण कमल, चमेली, एक जोरा प्लांट, बैगन बोलिया प्लांट, प्राउड ऑफ इंडिया या दामनी, सभी प्रकार की चंपा, फोर ओ क्लाक, क्राउन ऑफ थ्रोन, इसके साथ ही सारे कैक्टस, पारिजात या हर श्रृंगार, बर्वीना, सदाबहार, कॉसमोस, सभी कलर की अपराजिता, मैक्सिकन पिटोनिया, दियावाती और प्यारी सी चांदनी। वैसे समर में फ्लावरिंग करने वाले ढेरों प्लांट हैं, लेकिन फिर भी समय की कमी की वजह से हम आपको इस वीडियो में पूरे प्लांट की जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें भी हमने इसकी जानकारी दी थी। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।